नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन। राजस्थान हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर सुप्रीम रोक। राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक दिया है जो पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। हाई कोर्ट ने अक्टूबर में एक फैसला दिया था जिसमें बच्चा पैदा करने के लिए गैंगरेप के दोषी को 15 दिन पत्नी के साथ रहने की इजाजत देते हुए पैरोल दी थी, लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने ये स्टे ऑर्डर दिया। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी ने पैरवी की। एडवोकेट सिंघवी ने बताया कि सरकार की तरफ से कोर्ट में याचिका डालने के बाद आज इस पर सुनवाई हुई, जिसमें हमारी तरफ से दलील दी गई कि राइट टू पैरोल कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राजस्थान में यह फैसला है जिसमें रेप के किसी दोषी को पैरोल मिली। राजस्थान के पैरोल रूल्स में रेप या गैंगरेप के मामलों में पैरोल नहीं मिल सकता और न ही ऐसे दोषियों को ओपन जेल में भेजा जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने पैरोल पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगन लगा दिया है। ये याचिका राहुल की सजा के ठीक 1 महीने बाद लगाई गई याचिका में कहा गया कि पत्नी को प्रेगनेंसी या दंपति को वंश बढ़ाने के लिए रोकना संविधान के आर्टिकल 14 और 21 की भावना के खिलाफ होगा। अलवर के डीजे कोर्ट में याचिका लगाने के साथ 7 दिन तक सुनवाई का इंतजार किया, फिर इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। खास खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। तब तक के लिए नमस्कार।